उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 3000 टन सोना मिला है। यह सोना जमीन के अंदर दबा हुआ है। राज्य के खनिज विभाग ने सोने का पता लगाया है। जल्द ही इस सोने को निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पिछले 15 साल से यहां काम कर रही थी। टीम ने 8 साल ही पहले जमीन के अंदर सोना होने की पुष्टि कर दी थी। यूपी सरकार ने अब तेजी दिखाते हुए सोना को बेचने के लिए ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि वर्ष 2005 से जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सोने की तलाश के लिए काम कर रही थी। टीम ने गहन अध्ययन करने के बाद सोनभद्र में सोना होने के बारे में बताया था और वर्ष 2012 में इस बात की पुष्टि भी कर दी गई थी। टीम ने बताया था कि सोनभद्र की पहाड़ियों में सोना मौजूद है। जीएसआई के अनुसार हरदी क्षेत्र में 646 किलोग्राम सोने का भंडार है, वहीं सोन पहाड़ी में 2943 टन से अधिक सोने होने का भंडार है। यूपी सरकार ने तेजी दिखाते हुए सोने के ब्लॉक के आवंटन के संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि सोनभद्र के कोन क्षेत्र के हरदी गांव में महुली क्षेत्र के सोने पहाड़ी में सोने का एक बड़ा भंडार मिलने की पुष्टि हो चुकी है। ई टेंडरिंग के माध्यम से ब्लॉकों के नीलामी के लिए शासन ने 7 सदस्यीय टीम का भी गठन कर दिया है। यह टीम पूरे क्षेत्र में जियो टैगिंग करेगी और 22 फरवरी 2020 तक अपनी रिपोर्ट भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय लखनऊ को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि सोनभद्र में सोना ही नहीं मिला है, इसके अलावा भी बहुत कुछ मिला है। सोने के साथ सोनभद्र के फुलवार क्षेत्र में दो स्थानों पर यानी सलेडिया क्षेत्र में एडालुसाइट और पटवद क्षेत्र में पोटाश मिला है। भरहरी में लौह अयस्क और छपिया ब्लॉक में सिलिमेनाइट के भंडार की भी खोज की गई है। जिले के खनिज अधिकारी के राय ने बताया कि सोनभद्र जिले में यूरेनियम होने का भी संभावना है, जिसकी तलाश केंद्रीय और अन्य टीम लगी हुई है। एसपीएन 9 न्यूज के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट, दिल्ली।